भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड ने भले ही 31 रन से जीत लिया, मगर इस मैच के हीरो विराट कोहली रहे। विराट ने दोनों पारियों में धाकड़ बल्लेबाजी की और 200 रन बनाए। लेकिन अब ये टेस्ट मैच एक और वजह से चर्चा में आ गया है और हर तरफ बेन स्टोक्स पर सवाल उठ रहे हैं और अब तो किंग कोहली ने भी इस पर बयान दे दिया है। मैच में विराट कोहली का शतक आपको याद होगा। कोहली ने जब शतक लगाया था तो शानदार जश्न भी मनाया था और अपने सिग्नेचर स्टेप में दहाड़ते हुए कुछ ऐसे एग्रेशन दिखाया था। लेकिन अब ये देखिए, ये हैं बेन स्टोक्स। स्टोक्स इस तरह का सेलिब्रेशन कभी नहीं करते, लेकिन इस बार बेन स्टोक्स ने जब दूसरी पारी में विराट कोहली का विकेट लिया तो विराट की नकल उतारते हुए बेन स्टोक्स ने ऐसा सेलिब्रेशन किया। विराट के आउट होने के बाद टीम इंडिया की हार भी तय हो गई थी और इसीलिए स्टोक्स ने विराट और भारतीय फैंस को चिढ़ाने के लिए कुछ ऐसा सेलिब्रेशन किया। मगर बेन स्टोक्स का ये सेलिब्रेशन वायरल हो गया और हर तरफ सोशल मीडिया पर शेयर किया जाने लगा। हर तरफ स्टोक्स की इस गंदी हरकत की कड़ी निंदा हुई, क्योंकि स्टोक्स ने जबरदस्ती विराट को उकसाने का काम किया था। मैच के बाद विराट कोहली से भी इस पर सवाल पूछा गया तो विराट ने कहा, हर किसी के सेलिब्रेशन का तरीका अलग हो सकता है, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि विपक्षी टीम का खिलाड़ी कैसे जश्न मना रहा है, हम आगे देख रहे हैं और हमारे लिए मैच महत्वपूर्ण है, हमें अगले मैच की तैयारी करनी है और हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अब भले ही विराट ने शानदार अंदाज में स्टोक्स को पूरी तरह से खारिज कर दिया, लेकिन बेन स्टोक्स की हरकत कहीं से भी ठीक नहीं कही जा सकती है। वैसे आपको बता दें कि जब इंग्लैंड की टीम भारत आई थी तब भी विराट और स्टोक्स की खूब प्रतिद्वंदिता चली थी, लेकिन अब दूसरे टेस्ट मैच में ऐसा नहीं दिखेगा क्योंकि निजी कारणों से बेन स्टोक्स पहले ही बाहर हो चुके हैं। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।